वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक, डिलीशियस और अलग तरीके से क्रिस्पी पराठा, और बिल्कुल कम तेल में और ऐसे टिप्स और ट्रिक के साथ जिससे कि आपके पराठे हैं ना फ्रेंड्स, वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स, और पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, हमने मेथी ली है फ्रेंड्स। तो मेथी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक गुंडी मेथी ली है, यानी एक बंच। तो चलिए मेथियों को एक बड़े से बाउल में मैंने पानी ले लिया है, इसमें सारे मेथियों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, अच्छी तरह से हम सारे मेथियों को इसमें डिप कर देंगे ताकि जो इसमें जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए। तो मेथियों को मैंने यहाँ पे 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है। तो देखिए, वॉश करके सारी मेथियों को मैंने पानी से अलग कर लिया है। तो अब स्ट्रेनर में रख लिया है जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें निकल जाए फ्रेंड्स। तो अब हम चलिए मेथियों को कट कर लेते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चाकू की सहायता से मेथियों को बारीक बारीक कट कर लिया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मेथियों को हमने इसी तरह से देखिए कट कर लिया है। तो हमारी मेथी बिल्कुल तैयार हो चुकी है कट करके, अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं डो की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने एक परात लिया है बड़ा सा फ्रेंड्स। तो इसमें हम 1 कप आटा लेंगे फ्रेंड्स, जो गेहूं का आटा जो नॉर्मल हम रोटियाँ बनाते हैं उसी के लिए। तो साथ ही साथ हमने 1/2 कप हमने बेसन लिया है फ्रेंड। तो जो फ्रेंड बेसन आप डालेंगे ना फ्रेंड, इससे आपका पराठा ना फ्रेंड एकदम नरम नरम बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। साथ ही साथ अजवाइन लिया 1 चम्मच, हींग लिया है फ्रेंड्स, और मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट लिया फ्रेंड। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिया है फ्रेंड, इसे हम डाल लेते हैं। तो सभी मसालों को हमने डाल लिया, साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और साथ ही साथ हमने नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल ले लिया है फ्रेंड्स। तो ऑयल बिल्कुल आप डालेंगे ना फ्रेंड, जिससे आपके जो पराठे हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और जो हमने मेथी कट करके रखी थी ना फ्रेंड, सारी मेथियों को हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेथियों को डाल के हमें पानी अभी यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो अभी हमें मेथियों को ऐसे ही आटे में मिक्स करना है क्योंकि मेथियों में पानी पहले से ही रहता है फ्रेंड्स। तो पहले हम मिक्स कर लेंगे, जब से कि हमें जब पानी की जब ज़रूरत होगी हमें, तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा शुगर डाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक से आप बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आपकी जो मेथी के पराठे हैं ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, और बड़े से लेकर बच्चों तक सभी पसंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शक्कर डाल के हमने, शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है फ्रेंड, क्योंकि जो हमने नमक डाले ना वो नमक पानी छोड़ने लगते हैं, इसलिए हमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से डो बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के अच्छी तरह से डो बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से हाथों को ये देखिए मुट्ठी बांधते हुए मैंने अच्छी तरह से डो बना लिया है फ्रेंड्स। तो अब मैं दोनों हाथों से अच्छी तरह से आटे को गूंथ लूँगी जिससे कि जो हमारे आटे हैं ना फ्रेंड्स अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो देखिए आटे हमारे बिल्कुल अच्छे से लगा लिया हमने। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे जिससे कि जो हमारा आटा है ना फ्रेंड और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आटा डाल के हमें इसे थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट लग चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट आटा है हमारा, इसी तरह हमें आटा चाहिए फ्रेंड। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। आटे का हमने बॉल काट लिया है, यानी कि लोई काट ली है। तो अभी इसे हम गोल कर लेते हैं, ये देखिए सूखे आटे में मिला के। अब चकले पे हमें रख के बेलन की सहायता से हम इसे गोल बेल लेंगे, यानी कि बेल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें एक रोटी के आकार का हमने पराठा बेल लिया है। तो अब हम इसे क्या करना है फ्रेंड, घी ये तेल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है फ्रेंड्स। तो घी हम अच्छी तरह से ये रोटियों पे लगा देंगे, थेपला भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स आप। अब इसे हम कवर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, फिर कवर करके थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे जिससे कि जो हमारे पराठे हैं ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और पराठे का शेप दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, पराठे का शेप आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर दूँगी ताकि जो हमारे ऑयल है ना वो बाहर ना आए। तो देखिए फ्रेंड, पराठे को अब मैं थोड़े से सूखे आटे इसमें लगा के अच्छी तरह से बेल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, पराठे को हम इसी तरह से शेप में बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा पराठा थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। आप शेप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पराठा का शेप दे दिया है। अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सूखा आटा लगा के हम अच्छी तरह से, देखिए हमारा पराठा मेथी का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम सेक लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 पराठे बना लिए हैं। गैस पे हमने तवा रख दिया, तवा हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम मेथी के पराठे को सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है क्योंकि हाई लूँगी और पराठे का शेप दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, पराठे का शेप आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर दूँगी ताकि जो हमारे ऑयल है ना वो बाहर ना आए। तो देखिए फ्रेंड, पराठे को अब मैं थोड़े से सूखे आटे इसमें लगा के अच्छी तरह से बेल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, पराठे को हम इसी तरह से शेप में बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा पराठा थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। आप शेप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे मैंने पराठा का शेप दे दिया है। अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सूखा आटा लगा के हम अच्छी तरह से, देखिए हमारा पराठा मेथी का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम सेक लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 पराठे बना लिए हैं। गैस पे हमने तवा रख दिया, तवा हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम मेथी के पराठे को सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, क्योंकि हाई मीडियम पे हम तवा पे जब हम मेथी के पराठा सेकेंगे ना फ्रेंड, मेथी के पराठे तो सेक जाएंगे बट हमारे ऊपर से अंदर से कच्चे ही रहेंगे फ्रेंड। तो इसीलिए हमें फ्लेम को लो करना है अच्छी तरह से। दोनों बाजू हमें पलट के यहाँ पे ऑयल या घी आप लगा सकते हैं। तो देखिए एक साइड से हमारा जो पराठा है वो सिक चुका है। अच्छे से करछी की सहायता से हमें दबाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेना है अंदर तक। देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड भी हमारा पराठा सिक चुका है। तो यानी कि ये पराठा सिकने में लगभग 5 मिनट आपको लग जाएंगे। तो देखिए हमारा सारा पराठा हमने सेक लिया है। आप इसे दही के साथ, राय के साथ, मीठी चटनी के साथ, टमाटर के अचार के साथ सर्व कीजिए ना फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है फ्रेंड। बच्चों को भी दीजिए टिफिन में, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए पराठा को देख लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितना टेस्टी है ये, और कितना नरम नरम बना है। देखिए आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है। तो इसे हम सॉस के साथ, टमाटर की मीठी चटनी के साथ, अचार के साथ, राय के साथ खाएंगे ना फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसे लगी फ्रेंड्स, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।